इमारतें, जो कैलेंडर और वेदशालाओं के काम आते हैं। इंग्लैंड में लगभग 4000 साल पहले निर्मित स्टोन एज संभवतः अंग्रेजों की वेदशाला ही थी। प्राचीन माया सभ्यता द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में निर्मित इस पिरामिड से नक्षत्रों और समय की गति का अध्ययन होता था। लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास ने महाकाश के बारे में सोचों को बदल दिया। चलिए आज के समय की शुरुआत हम कोलकाता के क्षितिज पर हो रहे सूर्यास्त से करते हैं। नहीं, संध्या काल का आकाश, ये प्राचीन नक्शे सदियों तक मानव को दिशा ज्ञान, सामुद्रिक यात्रा और समय काल के अध्ययन में मदद करते रहे। इन तारामंडलों को लेकर मिथकिया कहानियां गढ़ी जाने लगी और महाकाश पर्यवेक्षकों ने उन्हें मौसम परिवर्तन, बाढ़ और फसलों की बुआई और कटाई से जोड़ना शुरू कर दिया। रात को दिखने वाले तारामंडलों में से सबसे स्पष्ट है काल पुरुष अर्थात ऑरायन। तारों को आपस में मिलाकर जो आकृति बनी वो था ग्रीक मिथक का महान शिकारी ऑरायन। इस शिकारी की कमर की सिधाई में दिखने वाले 3 चमकीले तारे दुनिया के कोने कोने में महत्व रखते हैं। आज आसमान में दिखने वाले अन्य तारामंडल हैं आर्सा मेजर या ग्रेट बेयर कॉन्स्टेलेशन, जिसे भारत में सप्तर्षि मंडल कहते हैं, कैसियोपिया रानी, टॉरस यानी वृषभ, सिग्नस यानी हंस। तकनीकी विकास के साथ मनुष्य की नजर अब तारों से भी आगे है। महाकाश के अंधेरे भरे असीम और सुदूर इलाकों तक जहां आंखें नहीं देख सकती, हमारी आंखों के सामने खुला पड़ा है पूरा ब्रह्मांड। अपनी विभिन्न चीजों और अद्भुत अकल्पनीय घटनाओं से भरा हुआ ब्रह्मांड। इस ज्ञान के सामने मनुष्यों ने महाकाश के घटनाओं के जन्म, इनकी अग्रगति और ब्रह्मांडीय पिंडों के विकास को समझने का और रात्रि आसमान में इनके रंगों और अजीब मौजूदगी को पहचानने का प्रयत्न किया है। चलिए अब हम चलते हैं अनगिनत विविधताओं से भरे हैरत अंगेज महाकाश में। देखते हैं असंख्य रंगों से भरपूर दृश्य जो वास्तव में पूरे महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जीवन की संभावनाओं से भरे हमारे ब्रह्मांड की कहानी द कॉस्मिक कोलिजन। महाकाशीय सागर के एक किनारे खड़े होकर नक्षत्र बहुत शांत दिखते हैं। लगता है ब्रह्मांड में सब कुछ अनुशासित है। जब रात के अंधेरे में अचानक ही कुछ नया दिखता है तो हमें हैरत होती है। आसमान में धूमकेतु के आने से हमारे पूर्वज हमेशा आतंकित होते थे। सन 1631 में जब विसुवियस पर्वत का शिखर ध्वस्त हुआ तो उसके जलते लावा से उस समय और इस अजनबी घुसपैठिए को ही इस विनाश और विस्फोट का दोषी माना गया। 1665 ईस्वी में
लंदन के लोगों ने प्लेग में हुई मौतों के लिए भी धूमकेतु को जिम्मेदार माना था। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे धूमकेतु अशुभ होते हैं, किसी अनहोनी को जन्म देने वाले। आज हम जानते हैं कि धूमकेतु शुरू में सूर्य की परिक्रमा करने वाली बर्फीली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, हमारे सौरमंडल के ग्रहों से काफी दूर। अगर इनमें से कोई सूर्य की गर्मी के नजदीक वाले परिक्रमा पथ में खींचा आता है तो बर्फीली सतह ठोस से गैस बन जाती है। इसे छोड़ते हैं धूमकेतु की पूंछ के टुकड़े जो उल्का पिंड कहलाते हैं धरती के वातावरण से टकराएंगे। टकराते ही ये जल उठेंगे, ज्वलंत उल्काओं का स्रोत फूटेगा। आजकल कभी कभी लगता है कि धरती पर स्थितियां बहुत ज्यादा और बहुत जल्द बदल रही है। ब्रह्मांड में परिवर्तन ही शाश्वत है। नक्षत्र, ग्रह, अन्य निहारिकाएं भी हमेशा गतिशील है, हमेशा ही गुरुत्वाकर्षण के चिरस्थायी बल से बंधी हुई है। कभी कभी ये आपस में टकरा जाते हैं, ये खतरे की घंटी हो सकता है, लेकिन टक्कर दरअसल फायदेमंद हो सकती है और खूबसूरत भी। चलिए मेरे संग एक सफर पर धरती के करीब और हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर, देखिए कि कैसे महाकाश के टक्करों ने हमारा अतीत रचा, वर्तमान को भावित किया और भविष्य को। पापा, सोनी देख, हमारे चंद्रमा के जन्म को लेकर कितने सारे सिद्धांत हैं। हाल में वैज्ञानिकों ने एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया, समय काल में पीछे चलते हैं 4.5 अरब साल पहले अतीत में। जानते हैं कि उनके अनुसार क्या हुआ था? हम जिस पृथ्वी पर अभी भी गठन की प्रक्रिया में है, जहाँ जीवन अभी तक नहीं बनता। शुरुआती समय में हमारे सौर मंडल में ग्रहों जैसे विशाल चट्टानी टुकड़े झुंड में घूमा करते थे। कुछ का परिक्रमा पथ था जो उन्हें पृथ्वी के नजदीक लाया, ये थोड़ा ज्यादा करीब आ गया। इस टक्कर से अंतरिक्ष में फैला पिघला हुआ लावा ज्यादातर लावा वापस विध्वस्त ग्रह पर गया। बाकी रह गया परिक्रमा पथ, गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहरी महाकाश में नहीं जा पाया। चट्टान धरती के चारों ओर घूमने लगे, गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें एक साथ किया। ये टकराते गए, जुड़ते गए, इनका आकार बड़ा होता गया। कुछ ही सप्ताहों में ये टुकड़े जुड़कर विशाल और विशाल हो गए। कम समय में आकार अविश्वसनीय हो गया। ए पापा बैठे, पापा बैठे, बिल्कुल सही। और देखो सॉरी, देखो कितना बड़ा है, सॉरी देखो कितना बड़ा है। सोचकर अचरज होता है। आज रात का आसमान चांदनी दिखेगा, लेकिन ये सच है। कारण हजारों थे, अलग अलग, लेकिन इन टक्करों से ही धरती पर जीवन पनप सका।
आघात ने पृथ्वी को झुका दिया। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा बना। तब से लेकर आज तक हमारे सौर मंडल में ठहराव आया है। अब दूसरे ग्रह से पृथ्वी के टकराने का डर नहीं, लेकिन दूसरे चक्कर हमें रोज प्रभावित करते हैं। कुछ खास चक्करों में शामिल है हमारा सूर्य। फिक्र न करें, इतनी जल्दी धरती जाकर सूरज से टकराने वाली नहीं। हमारा परिक्रमा पथ नियंत्रित है और अरबों सालों तक ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन धरती पर हर जीवन निर्भर है सूर्य में होने वाली टक्करों पर। सूर्य एक नक्षत्र है, रात को दिखने वाले दूसरे तारों जैसा। बहुत पास है इसलिए अलग दिखता है, एक बड़ा चमकीला सुनहरा पिंड। लेकिन सूर्य में कुछ नहीं, प्रत्येक धब्बे का आकार पृथ्वी जितना है। सौर धब्बे का रंग गहरा दिखता है क्योंकि सूरज पर ये सबसे ठंडे स्थान है। तापमान 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी का सूर्य को और भी नक्षत्रों की तरह सूर्य की ऊर्जा भी सूक्ष्म प्रोटोन के टकराव से निकलती है। हर सूर्य में असंख्य प्रोटोन टकराते और घुसते रहते हैं, जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। अधिकतर ऊर्जा सूर्य को प्रकाशवान बनाती है। इनमें से कुछ के कारण सूर्य की सतह पर चार्ज कणों की निरंतर धारा बहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं, और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। या कम अंतराल और तीव्र गति वाली सौर आंधी जो कणों को महाकाश में उड़ा देती है। अभी हम नासा के उपग्रह द्वारा खींची गई सौर आंधी की सच्ची तस्वीरें देख रहे हैं। उसे इस तरह देखा, सौर आंधी का उपग्रह से टकरा और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया। सौर पवन का झोंका हर दिन हर पल सौर मंडल के ग्रहों के पार जाता है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। अभी आप जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक चित्र है। धरती के लौह अंतर्भाग के कारण हमारी धरती विशाल चुंबक की भांति काम करती है। कुछ चीजों को आकर्षित, कुछ को विकर्षित करती है। ये कवच सौर पवन से धरती को बचाता है, लेकिन कुछ कण इस चुंबकीय बाधा को पार कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर। परिणाम देखने लायक होता है, शानदार जगमगाते रंगीन पर्दे। इसे कहते हैं ध्रुवीय ज्योति। सौर पवन और सौर आंधी से निकले आवेशित कण जब धरती के ऊपरी वातावरण से टकराते हैं, तब वातावरण में मौजूद गैस आलू की धूल उठते हैं। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती की निचली कक्षा में परिक्रमा करता है। महाकाश में जाकर ध्रुवीय ज्योति को देखने वाले कम ही हैं। जिस टक्कर के कारण ये ज्योति निकलती है वो धरती की सतह से 100 से 480 किलोमीटर के बीच होती है। जहाजों के उड़ान पथ से भी ऊंचा। और होता है हमारी धरती का सबसे अनोखा प्रकाश उत्सव। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, हर टक्कर का परिणाम खूबसूरत और हानिरहित नहीं होता।
उनमें से एक के कारण अविस्मरणीय घटना हुई और धरती पर जीवन का क्रम बदल गया। इसकी शुरुआत हुई वहां जहां एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के प्रारंभिक 20-30 लाख वर्षों में जब ग्रह बन रहे थे, तब जो चट्टान और धातु के टुकड़े छूट गए उनसे बने एस्टेरॉयड। ज्यादातर एस्टेरॉयड दिखाई देने वाले कक्ष में घूमते हैं जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। कुछ और भी करीब हो सकते हैं। किसी भी साल लाखों में एक मौका हो सकता है कि एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा, लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले एक टकराया था। यह लगभग 12 किलोमीटर चौड़ा था, 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था सीधा पृथ्वी की ओर। लेकिन हम जिसे जानते हैं तब पृथ्वी ऐसी नहीं थी। मनुष्यों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले जब विशाल गाय डायनासोर घुमा करते थे, उनके दुर्भाग्य से सब बदलने वाला जहां मेक्सिको है, ये एस्टेरॉयड वहां टकराया। आग का गोला फूटा, जहां तक नजर जा सकती सब कुछ जलकर राख हो गया। धरती और चट्टानों के टुकड़े भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गए। जब इन धातुओं की वापस बारिश हुई, वातावरण गर्म हो गया। प्रज्वलित मलबा धरती से आकर टकराता रहा बार बार। हर चीज जिसमें आग लग सकती थी वो जल गई। 1 घंटे तक धरती में चारों ओर तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया, किसी भट्टी के समान गर्म। चारों ओर धुआं और राख फैल गई। 6 महीने तक इतना अंधेरा कि अधिकतर पौधे न उग सके। टक्कर से हुए महाविनाश और ज्वालामुखी विस्फोटों तथा बदलते समुद्र के स्तर के बीच धरती पर मौजूद 3/4 जीवन रूप खत्म हो गए। डायनासोर का दौर खत्म हो गया था, लेकिन जीवन नहीं रुका और उस बार भी जीवन बचा। कुछ डायनासोर बच गए, क्रमिक विकास होकर बन गए आज के पक्षी। कुछ स्तनपायी भी बचे, इनका भी नया उद्भव हुआ। सच तो ये है कि वो टक्कर न होती तो हमारा वर्तमान भी ऐसा ना होता। क्या ऐसी टक्कर फिर से हो सकती है? एस्टेरॉयड अभी भी है, अगर कोई एक सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? इन्हें उड़ा देना कारगर नहीं, छोटी चट्टानों का झुंड टूट पड़ेगा हम पर। लेकिन वैज्ञानिक सालों से इन एस्टेरॉयड के अध्ययन और निरीक्षण में लगे हैं। उन्होंने सुझाया है सरल उपाय। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर हम उनका रास्ता बदल सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार काम करेगा। अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के पास से उड़ाए तो स्पेसक्राफ्ट का लघु गुरुत्वाकर्षण भी एस्टेरॉयड को थोड़ा ही सही खींचकर उसके गति पथ को बदल सकता है। सालों लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉयड दूसरे गति पथ में चला जाएगा और क्रमशः पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर चला जाएगा। कुछ 100 मील की दूरी भी काफी नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। आज ये सिर्फ एक सोच है, लेकिन सही लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसी दिन आप में से कोई एक और बेहतर उपाय सोच लेगा जो महाकाश के इन अजूबों से धरती की सुरक्षा कर पाएगा। हम जानते हैं कि एक टक्कर से चंद्रमा का जन्म हुआ और वो टक्कर आज हर रोज सूर्य को ईंधन देता है। हमने देखा टक्कर ने डायनासोर को खत्म कर दिया। हमने सीखा हम कैसे गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।
सब कुछ यहीं पर घटित हुआ, पास के महाकाश। लेकिन बाकी ब्रह्मांड का क्या और भविष्य का क्या? महाकाश के टक्करों का क्या असर होगा हम पर? हम आकाश गंगा से आगे बढ़ते हैं, जो हमारे सौर मंडल का घर है। ये आकाश गंगा हजारों अरबों नक्षत्रों और खरबों दूसरे ग्रहों का, साथ साथ गैस और धूल के विशाल समूहों का भी घर है। गैलेक्सी के नक्षत्र एक दूसरे से इतने दूर हैं कि टकराने की संभावना न्यूनतम है, लेकिन अपवाद तो होते ही है। चलिए हमारी गैलेक्सी के मुहाने पर पल भर ठहरते हैं। जो नक्षत्र हमारे पास से गुजर रहे हैं वो गोलाकार समूह का हिस्सा है। यहाँ सभी तारे ऐसे फूसे हुए से रहते हैं कि कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसा अमूमन नहीं होता, यहाँ भी लाखों वर्षों में एक बार ऐसा होता है। चलिए हम आकाश गंगा से निकलते हैं और जल्दी से पूर्वावलोकन करते हैं कि हमारी गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड के भविष्य में क्या है। भविष्य में अरबों वर्ष आगे आ गए हैं, पृथ्वी से 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर। देखिए आकाश गंगा पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। हमने इस दृश्य की गति बढ़ा दी है, आप हर सेकंड में प्रकाश वर्ष की गति से बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड की बाकी चीजों की तरह गैलेक्सी भी भ्रमणशील है। हालांकि एक दूसरे से काफी दूर है, पर गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांधे रखता है। ये दो विशाल गैलेक्सियां एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमकर महाकाश में नृत्य प्रस्तुत करेंगी, नजरें मिलाकर कभी पास आएंगी।